देश भर में अचानक से बढ़ने वाले लाल प्याज के दामों के ऊपर अब विराम लगना शुरू हो गया है। करीब 4 से 5 दिन पहले 80 से 100 रुपए किलो बिकने वाला यही लाल प्याज अब 50 से 60 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। दिन पर दिन बढ़ते प्याज के दामों में गिरावट आने से त्योहारी सीजन में आम आदमी की रसोई का संतुलन एक बार फिर पटरी पर लौट चुका है। यदि बात की जाए राजस्थान के करौली की सब्जी मंडी की, तो यहाँ पर प्याज के दामों में अचानक से गिरावट आई है। करौली की सब्जी मंडी में फिलहाल लाल प्याज के भाव नई फसल के आते ही गिरने लगे हैं। नई फसल के रूप में आने वाला लाल प्याज करौली में फिलहाल 40 से 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। मेरे क्या था कि नई प्याज आने में थोड़ा डिले हुई थी, अब नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, उससे अब दाम घटने लग गए हैं। कुछ तो दिनों में काफी कम हो जाएंगे। बीच में 50-60 रुपए किलो का थोक का बाजार हो गया था, अब जो आ करके 40-45 रुपए आ रहा है। अब आगे घटेंगे क्या? बिल्कुल घटेंगे। लगभग कितने घटेंगे दाम? नई फसल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी फसल आती है, वैसे समथिंग 25-30 रुपए आ जाएगा। दोबारा दिवाली तक आ जाएगा क्या? आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। अभी फिलहाल करौली में प्याज कहाँ से आ रहा है? अलवर से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है। क्या भाव है फिलहाल थोक और फुटकर में? फुटकर का तो यही मान लो 50-60 रुपए बेच रहे होंगे फुटकर वाले। थोक में? थोक का 40 से 45 रुपए। जो ब्याज भाव घटेगा इनका क्यों इंतजारे के कारण यह है कि जैसे कि ये बरसात की वजह से लेट हो गई फसल आने में, और 2-4-10 दिन में फसल भाव जाएगी नहीं, और फसल आने के बरसात में भाव घट जाएगा। पुरानी प्याज है जो पहले बिक रही है वो उसका भाव बढ़ गया, अब जो नई प्याज मार्केट में आना शुरू हुई है उसकी रेट डाउन है। फिलहाल भाव घटे हैं क्या प्याज के? फिलहाल 10 रुपए घटे हुए हैं, अभी हम मार्केट में 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। आगे भी घटेंगे? आगे जाकर प्याज का भाव घटेगा। कितना आएगा लगभग? लगभग अभी 1-2 दिन में 40 से 50 हो जाएगा।